कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं जो एंकल फ्रैक्चर के बाद जो प्लास्टर लगा हो या सर्जरी हुई हो उसके बाद हमको कॉमन प्रॉब्लम होती है, हमारा एंकल ऐसे करके मुड़ता नहीं है। हमारा एंकल नीचे की तरफ तो हो जाता लेकिन ऊपर की तरफ नहीं होता, जिससे हमको बैठने में बहुत समस्या होती है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए मैं ऐसे ही आपको सिंपल सी कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिसके माध्यम से आप करके 100% आप रिजल्ट पाएंगे। तो बिल्कुल भी आप देरी मत करना, इस वीडियो को पूरा देखना, लाजमी एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको सिंपल तरीके से आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ जो कि आपके एंकल फ्रैक्चर रिकवरी में काम आएंगी। तो एंकल फ्रैक्चर रिकवरी में ये मैंने एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाया है, ये आपके एंकल की रिकवरी को ठीक करने में बहुत हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के ऑल पर ही प्रेस रखना। मैं ऐसे ही यूजफुल कॉन्टेंट आपके लिए बनाते रहता हूँ। चलिए फ्रेंड, मैं आपको बता दूं एंकल हमारा ऐसा क्यों नहीं मुड़ता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में, तभी हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे जिससे कि हमारे समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टिफनेस आती कैसे है। देखिए, काफ़ी समय हो जाता है हमारे एंकल फ्रैक्चर में, जो कि डॉक्टर हमको जो ज़्यादा मूवमेंट इधर उधर करने को नहीं बोलते हैं कि इधर उधर मत करना, खाली पंजे चलाना। उसके कारण क्या होता है कि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से नहीं, पेशेंट क्या होता है इतना कॉन्फिडेंशियली नहीं होता है कि वो खुद ही चला पाए, है ना। तो हालांकि डॉक्टर बता भी देते हैं, कुछ डॉक्टर्स जो सजेस्ट नहीं कर पाते हैं समय के बाद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में पेशेंट जो खुद ही पेशेंट पैर चलाना पसंद नहीं करता कि कहीं दिक्कत बढ़ ना जाए। इसलिए पैर की मांसपेशी अब चलती नहीं है तो वह स्टिफ हो जाती हैं, यानी जकड़ जाती हैं। अब दूसरी टिप्स मैं आपको बता दूँ, अगर जकड़ गई हैं तो एक तो जो है ऑपरेशन के बाद जकड़ती हैं और एक होता है प्लास्टर कटने के बाद जब देखते हैं तो सूजन और दर्द और स्टिफनेस सब कुछ कॉम्बिनेशन बनके जो है पैर को जकड़ लेता है। तो इसके लिए मैं सिंपल से आपको जो जो एक्सरसाइज दिखाने वाला हूँ वो यही काम करेंगी। पहले तो आपकी जकड़न को कम करेंगी और दूसरी बात आपके रेंज ऑफ मोशन एंकल के बढ़ाएंगी और आपके जो पैर के मूवमेंट है पूरे उसको ठीक करने के बाद जो एंकल में स्ट्रेंथ लाएंगी। तो देखिएगा इस वीडियो को पूरा, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम पूरा बनाया है, इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया। अगर आप एंकल से जुड़ी और कोई सी प्रॉब्लम है आपको तो आप आई बटन पे जाकर उनको देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने 200 से प्लस वीडियो बना रखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं पहले वीडियो की ओर। आपको पहली एक्सरसाइज करने से पहले बता दूं, मान लीजिए इस पैर में मेरा जो है राइट एंकल है, ये वाला एंकल है मेरा, इसमें समस्या है, ये एंकल मेरा ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है। ये डेमोंस्ट्रेट पे ले रहा हूं मैं केवल आपको समझाने के लिए, हालांकि मेरा पैर ठीक है लेकिन अगर ऐसे नहीं हो रहा है, पूरा मुड़ नहीं रहा, ऐसे ऐसे करके नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा है और ऐसे नहीं हो रहा पीछे की साइड, तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा पैर को ऐसे करके चला लेते हैं, यानी कि थोड़े से ऊंची जगह पर रख लेते हैं, फिर पैर को ऐसे ऐसे करके थोड़ा चलाते हैं, थोड़ा और पीछे रखते हैं जिससे कि एंकल फ्री रहे, ये जगह खाली रहेगी नीचे की और एंकल चलाने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ऐसे करके हम थोड़ी देर चलाते हैं, आधा एक मिनट कम से कम ऐसे करके चलाएंगे। तो आप लाइव इस वीडियो को प्ले करके आप देखें तो आपको कुछ ज़्यादा करने में सरलता मिलेगी। ऐसे करके हम आधा मिनट तक पंजे को चलाएंगे जितना चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम जो है सेकंड पे चलते हैं, क्या कर सकते हैं सेकंड में। मैं आपके लिए पहले आपको बता दूं, ये लूँगा, ये मेरा क्या मफलर है, गमछा है, रुपट्टा है, जो भी आपके पास कुछ है वो आप ले सकते हैं, कोई भी चीज़ खरीदने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ सेम वैसे ही आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो इस गमछे को मैं अब पैर के पंजों को पीछे करने के लिए सेल्फ खुद से ही करने के लिए इसमें किसी व्यक्ति की दूसरे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप ऐसे करके पैर के पंजे को पकड़ लीजिए, मतलब ये कपड़े को यहाँ पर डोरियों को पकड़ लीजिएगा। और हाथ में मेरे मोबाइल इसलिए रहता है वीडियोस में क्योंकि रिकॉर्डिंग में इससे करता हूँ और वीडियो कैमरे से शूट कर लेता हूँ, तो एक हिसाब से ये वायरलेस माइक बन जाता है मेरा और वीडियो की रिकॉर्डिंग भी मेरे को अच्छी लगती है, आवाज़ भी अच्छी आती है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी का माइक भी नहीं दे सकता। तो आपको आवाज़ कैसी लगती है कमेंट सेक्शन बताइए वीडियो की क्वालिटी, क्योंकि इस पर मैं बहुत फोकस करता हूँ क्वालिटी पर। तो अब जो है पैर के पंजे को पीछे की ओर हल्के हल्के खींचते हैं, यानी खींचेंगे इसको कपड़े को, जैसे मैं कपड़े को पकड़ा पीछे की साइड खींचते हैं,
फिर हम 4 से 5 सेकंड तक पीछे को यहाँ पर होल्ड करते हैं, फिर हम रिलैक्स कर देते हैं, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग फेज में यही होता है, हम बैठने में दिक्कत रहती है, पैर आगे करके बैठते हैं, और टॉयलेट में भी हमको दिक्कत रहती है कि टॉयलेट में बैठने में पैर जो है दर्द करता है, तो इसलिए हमारा जब पैर पंजा पीछे की तरफ आएगा रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएंगे, तो ये दर्द हमारा कम हो जाएगा, जकड़न कम हो जाएगी और हम टॉयलेट में बैठ पाएंगे, ज़मीन पर उखरू भी बैठ पाएंगे। अब देखिए सेकंड में भी मैं ऐसे ही करूँगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह से ही करना है, फिर हमको रिलैक्स कर देना है, फिर हमें ऐसे ही करना है, फिर हमको रिलैक्स कर देना है। एक बात और बता दूं आपको, जहाँ से आपको पेन आ जाए, मान लीजिए आप पीछे को खींच रहे हैं, जहाँ से आपको पेन आ जाए वहाँ से थोड़ा सा ही बढ़ाना है, बिल्कुल थोड़ा सा ना के बराबर, और उसके बाद हमको वहीं पर रोक लेना है, और उसके बाद फिर सीधा कर लेना है, ढीला कर लेना है, फिर हमको ऐसे कर लेना है, फिर हमको थोड़ी देर यहाँ होल्ड रखना, फिर हमको रिलैक्स कर देना है, फिर हमको जो है पंजे को ऐसे ऐसे करके थोड़ी देर और चलाएंगे अपने आप से। मैं भी हाथ से नहीं चला रहा हूँ, पैर अपने आप से चला रहा हूँ, इससे क्या होगा कि आपकी जो मांसपेशियाँ टाइट हो जाती हैं उनको रिलैक्स मिलेगा, तो वो चलने में आसानी हो जाएगी। और अब मैं एक एक्सरसाइज इसी से मैं बता दूंगा आपको, ये लास्ट में करना जब आप सारी एक्सरसाइज कर लें, लेकिन मैं अभी आपको पहले दिखा देता हूँ, मफलर है मेरे पास, तो ये आपके लिए तीसरी बहुत बेस्ट एक्सरसाइज हो जाएगी। जब आप पीछे को खींच रहे थे आपको हाथ को पीछे खींच के यहीं रोकना है, फिर पंजे को आगे की ओर ताकत लगानी है, ऐसे समझ रहे होंगे ना मैं कैसे कह रहा हूँ, यानी आगे की ओर साइड में ताकत लगानी, ये मफलर को पैर आगे की तरफ पंजा खींचेगा, और याद रहे यहाँ से उठे नहीं, ये चीज़ नीचे चिपकी रहे, अगर ऐसे करके उठ रही है गैप बन रहा है तो एक्सरसाइज ठीक नहीं होगी, और आप नीचे रख के करेंगे तो बेस्ट होगी, थोड़ी काफ की भी स्ट्रेचिंग होगी और सारी मांसपेशियाँ अपनी जगह खिंच के आएंगी, तो सब नॉर्मल लाइफ आप पहले की तरह हो पाएंगे। तो देखिएगा आप पहले की तरह अगर रिकवरी चाहते हैं तो इस पैर की स्ट्रेंथ करने के लिए पंजे को आगे की ओर पुश भी करें, इससे आपकी स्ट्रेंथ होगी, और मफलर को लेके करेंगे तो इसमें हल्की स्ट्रेचिंग भी होती है, क्योंकि मफलर जो स्ट्रेच होता है हल्का सा, स्ट्रेच उन कपड़ा होता है तो थोड़ा खिंचता भी है, या आप किसी फीमेल की जो है स्टॉल को ले सकते हैं या रुपट्टे को ले सकते हैं, तो ये काफ़ी खिंचता है, हालांकि साइड बाइट इतनी नहीं खिंचती हैं, तो आप इसको लेके फिर आगे की तरफ ऐसे करके करेंगे, फिर आगे की ओर फोर्स लगाएंगे, फिर आप पीछे करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि पीछे की ओर खिंचाव सा आ रहा है मेरे, ठीक है, काफ में, तो आप फिर ऐसे करेंगे, फिर आप पीछे की साइड करेंगे, तो आप ये फोर्थ जो है बहुत बेस्ट रहेगी, फिर ऐसे करेंगे, फिर पीछे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर पीछे की ओर अपने आप से आ ही जाएगा जब आप खींच रहे होंगे, फिर आप ऐसे करेंगे, फिर पीछे करेंगे। ये एक्सरसाइज करने के बाद अब आपको फिर से ये वाला रिपीटेशन कर लेना है, ठीक है, पीछे को पैर खींचने वाला पंजे को, है ना, इस पैर को चाहें आप सीधा रख सकते हैं, लेकिन पीछे स्ट्रेट दीवार से बैठना चिपका के अपनी पीठ को तो बेस्ट होगी, ये आप ज़मीन पे कर सकते हैं, बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, बहुत बेस्ट होगी ये, आपकी एक्सरसाइज इतनी टफ है कि एंकल को पीछे करने में, यानी ये वाला मूवमेंट नहीं हो रहा था, पीछे करने में आपकी बहुत अहम भूमिका निभाएगी। अब चलते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ जो कि बहुत बेस्ट है। अब आप इसमें खड़े हो जाएंगे और इसको मैं एक तरफ फेंक देता हूँ, और इसमें अब जो हमारा एंकल है ना बैठ नहीं पाते हैं ऐसे करके, ये हमारा एंकल ऐसे करके मुड़ नहीं रहा है, तो इसके लिए आप पता क्या करेंगे, सिंपल कहीं भी खड़े हो जाएंगे ऐसे करके सही जगह पे, और इसके बाद आपको ऐसे करके बैठना है, मेरा ये अफेक्टेड लेग था ना ये वाला, इस वाले पे मैं समझा रहा था, तो ऐसे करके हमको बैठना है, घुटने पर हाथ रखेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे करके बैठेंगे, फिर ऐसे करके हाथ रखेंगे, फिर ऐसे करके बैठेंगे, 100% कहता हूँ, थोड़ा पेन तो होगा आपको, लेकिन रिकवरी में रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, फिर आप ऐसे हो जाएंगे, इसको मैं एक तरफ रख देता हूँ, वीडियो में गड़बड़ी कर रहा है, फिर हम ऐसे करेंगे, फिर सीधे हो जाएंगे, और दर्द तो होगा, देखो अगर आपको स्टिफनेस होगी तो दर्द भी होगा, तो फिर हम जब ऐसे ऐसे करके बार बार करेंगे ना, तो हमारे रेंज ऑफ मोशन, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट दोनों होगा, ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे करके करेंगे तो ये हमारे एंकल के लिए खोलेगी, और एक्सरसाइज हमारे पंजे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मूव हो पाएगी, तभी हम ज़मीन पे भी बैठ पाएंगे, क्योंकि हम ज़मीन पे इसलिए नहीं बैठ पाते हैं डायरेक्ट पैर के पैर सामने मिला के, क्योंकि हम पूरी तरह से ये पंजा पूरा मुड़ता नहीं है, अब हम जब हम पंजा पूरा ऐसे करके हमारा ये एंगल जो हम मुड़ पाएगा तभी हम बैठ पाएंगे दूसरे पैर की तुलना में, लेकिन हम बैठ इसलिए नहीं पाते हैं, ये पूरा मुड़ता ही नहीं है, है ना, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, जब मुड़ेगा नहीं तो हमको बैठने में दिक्कत होगी, तो हमको पहले यही एक्सरसाइज करनी है। और मैं अब तुम्हें नेक्स्ट तरफ से मैं आपको बता दूं नेक्स्ट टिप, जैसे कि आप दूसरे कैसे तरीके से आप इसको कर सकते हैं, एक आप इसके लिए मैं अभी कोई चीज़ और ले लेता हूं अपने पास से, मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूं, ठीक है, अब मेरे को इसको लेने के बाद मैं इसको पहले फांस लेता हूं,
कहीं मेरे को, इसके बाद मैं ऐसे करके करने वाली एक्सरसाइज करूँगा, ऐसे वाली। आप तो कहीं जीने की सीढ़ी पे भी एक्सरसाइज को कर सकते हैं रिपीट, तो ये भी आपके लिए बहुत बेस्ट होगी इस तरह से। तो आपका ये मूवमेंट जो है ना, यहाँ का मूवमेंट जो है वो आपका एंगल बढ़ जाएगा जब आप डेली डेली ऐसे एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो ये आप घर पे ही कर सकते हैं, बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, 100% रिजल्ट मिलते हैं इसमें अगर एंकल स्टिफनेस होती है तो। फिर ऐसे ही आपको करनी है। तो आप दिन में सुबह दोपहर शाम आपको समय मिलता है तो आप ये एक्सरसाइज करें, लेकिन ये एक्सरसाइज जब भी करें जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर दें, फुल बॉडी वेट बेयरिंग बता दें आपको, तभी एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि ये सब जो है आपको एडवांस एक्सरसाइजेस हैं, है ना, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेस हैं। तो इसलिए आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देते हैं तो आप एक्सरसाइज करें। और जिन लोगों, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनके आसपास कभी कभी फिजियोथेरेपी सुविधा नहीं मिल पाती है तो बहुत परेशान होते हैं। अगर आपके पास फिजियोथेरेपी सुविधा है तो अब तो बहुत अच्छी बात है, आप जाके सेंटर पे कराइए, आपके अच्छे से एक्सरसाइज होगी प्रोटोकॉल में रह के। और इस तरह से हमको कर लेना है, और हमको ये ज़्यादा देर तक नहीं करनी है, ओनली 15 से 20 बार ऐसे करके करेंगे तो हमको ये काफ़ी ज़्यादा पंजा जल्दी ही मुड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, एंकल से मैंने बहुत एंकल पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं जो कि आप देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आपसे इतनी उम्मीद है, खाली आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे किसी भी तरह का चार्ज नहीं करता हूं मैं, और आपसे बस यही सपोर्ट करता हूं कि आप चैनल को इतना अच्छा सपोर्ट दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। 100 के सब्सक्राइबर करा दीजिएगा आपका, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा, आपने इतना सपोर्ट किया है, और लगता है इस ईयर जो है 100 के सब्सक्राइबर आप लोग करा देंगे। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर करें, आपकी एंकल रिकवरी 100% होगी। फिर पंजे को कुछ इस तरह से चला लेंगे थोड़ी देर, इस तरह से चलाने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। अगर एंकल में स्वेलिंग है तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, पैर के नीचे पिलो लगा के इस तरह से मूवमेंट करेंगे, आपका जो है 100% रिजल्ट आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं मिलता हूँ अन्य वीडियो के साथ में, स्क्रीन कार्ड पर जो वीडियो आ रहा है इनको देख लीजिएगा, तब तक के लिए बाय।